तो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में राउंड वन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिल पाई है। पतंजलि के लिए बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए हैं। इसके अलावा जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देवभूमि है, उत्तरांचल है, और काफ़ी सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी कट ऑफ वहाँ पर काफ़ी हाई गया है। राउंड टू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी आयुष की काउंसलिंग में, जहाँ पे आपको लो नीट स्कोरिंग पे लगभग, अगर आपका नीट में स्कोरिंग जो है वो 250 के अराउंड है, ठीक है, 250 से कम है या 200 से कम स्कोरिंग वाले आप कैंडिडेट हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको राउंड टू में उत्तराखंड के कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं आ पाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक वैकेंट सीट वाला वीडियो बनाया जिसमें हर एक कॉलेज में किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है इन डिटेल बता रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आप जरूर एक बार वॉच करें। अगर हम बात करें राउंड टू में, तो आप उत्तराखंड का एक सब्स्टिट्यूट कॉलेज है, ऐसा कॉलेज जो आपको उत्तराखंड बॉर्डर पे मिल जाएगा सहारनपुर लोकेशन पे। तो सहारनपुर काफ़ी कनेक्टेड है देहरादून से, रुड़की से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आप और आपको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कम फीस में कॉलेज मिल जाता है, सहारनपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये जो कॉलेज है एस्टैब्लिश हुआ है 2022 में, सन 2022 में रिकॉग्नाइज है आपका आयुष यूनिवर्सिटी से एंड NCISM से। तो जो इनके परमिशंस हैं, ठीक है, इनका अप्रूवल प्रॉपर है, परमिशन इनकी आ चुकी है, और ये कॉलेज आपको यूपी आयुष की काउंसलिंग से मिलेगा। तो यूपी आयुष के लिए आप राउंड टू में इस कॉलेज को यूपी आयुष की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और उसके लिए इसका पूरा यूपी आयुष का आपको प्रोसेस कराना होगा। बात करते हैं एफिलिएशन की, तो एफिलिएटेड है आपका ये महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर से, और इस कॉलेज की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फतेहपुर रोड पर लोकेटेड है, संसारपुर बेहट सहारनपुर, तो बेसिकली सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और एक अच्छा ग्रुप है। इनके और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, तो पर्सनली मैं यहाँ के मैनेजमेंट को भी जानता हूँ। कोई भी बच्चा अगर किसी भी लेवल पे इन कॉलेज में प्रॉब्लम फेस करता है तो हमें रीच आउट कर सकता है, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। फीस से रिलेटेड हो या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, हम आपको यहाँ पे जरूर हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कॉलेज हमारा ठीक ठाक है, नियर बाई कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लोकेशन मिल जाते हैं। जैसे 40 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर पे आपको हरिद्वार मिल जाएगा, ठीक है, और 50 किलोमीटर पे आपको मसूरी मिल जाएगा, तो एक बढ़िया डिसेंट लोकेशन है आपके लिए। बड़ा कोर्स होता है तो आपके लिए एक रिफ्रेशमेंट वाली जगह है मसूरी, आप घूमने जा सकते हो। ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश भी बढ़िया प्लेस है, और ये आपको मिलेगा केवल यहाँ पे 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप लोकेटेड है। तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, आपको नियर बाय जो सिटीज़ हैं वो अच्छे अच्छे सिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम मेन बात करते हैं कि कितनी फीस यहाँ पे हमारी लगने वाली है। तो अगर आपको ये कॉलेज राउंड टू में लेना है या आपको मिलता है, तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस लगेगी 2,04,600 रुपये की ट्यूशन फीस लगेगी, ठीक है। लगभग यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो 85,000 से 95,000 के बीच में वेरी करती है, डिपेंड करता है आप हॉस्टल एसी लेंगे नॉन एसी लेंगे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कॉशन मनी है जो कि वन टाइम आपको देना है 50,000, और वो कम्प्लीटली रिफंडेबल है, तो 50,000 रुपीज़ आपको कॉशन मनी फर्स्ट ईयर में सबमिट करनी होगी। इंटेक की बात करें, केवल 60 सीट का इंटेक है, राउंड वन में सीटें फिलअप हो चुकी हैं, फिर भी कुछ सीट्स यहाँ पे चांसेस हैं कि कम स्कोरिंग पे भी कॉलेज आपको ये अलॉट हो सकता है। तो कॉलेज का रिव्यू करने का एकमात्र सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो उत्तराखंड वाले स्टूडेंट हैं या नियर बाई अगर आप कोई कॉलेज चाहते हैं, तो एक ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। एक और ऑप्शन है सहारनपुर में दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उसमें भी आपको कट ऑफ थोड़ा सा उस कॉलेज की हाई जाएगी, इस कॉलेज में आपको थोड़ा सा कम कट ऑफ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। अदर जो फैसिलिटीज़ हैं कैंपस के अंदर, OPD, IPD, ये सब कुछ हम लोग वीडियो में आपको आगे की वीडियोस में फिजिकली जब कैंपस विजिट करेंगे तो कैंपस की सारी डिटेल, बच्चों के फीडबैक, वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, पेशेंट्स आते भी हैं कि नहीं आते हैं, कैसा बिल्डिंग है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए अपडेटेड रहने के लिए आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। फैसिलिटीज़ हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है, मेडिकल लैब्स हैं, हर्बल गार्डन है, लाइब्रेरी है, लैबोरेटरी है, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मेस कैंटीन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो सहारनपुर कॉलेज है ये एक बड़े ग्रुप का कॉलेज है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर आपको सारी फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर मिलेंगी। तो ओवरऑल ये एक रिव्यू है। बाकी लगभग जो नीट में पार्टिसिपेंट कैंडिडेट हैं 250 स्कोरिंग तक वाले बच्चे को ये कॉलेज मिल जाएगा, अबव दैन 200 के आसपास अगर आपकी स्कोरिंग है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। कोई भी आपका एडमिशन से रिलेटेड डाउट या इंक्वायरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके टीम से आप बात कर सकते हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट।